हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पीड तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरिंग रेट ऑफ मोशन इट मीन्स ये मोशन के रेट को मेज़र करता है जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं और जितने टाइम में करते हैं उसको हम स्पीड कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम राइट तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा स्पीड का दैट इज़ डिस्टेंस कवर्ड by एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन इट मीन्स आपने जो डिस्टेंस कवर की है उसके लिए जित आपने जितना टाइम लिया है उससे हमारा स्पीड बनता है आखिरी हम स्पीड कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं स्पीड हम कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पीड हमको बताता है हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव हमारा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है या फिर स्लो मूव करता है सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आर राइट right? और आपके फ्रेंड की स्पीड है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर राइट right? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने तो वन आर में फोर्टी किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है और आपके फ्रेंड ने वन आर में फिफ्टी किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है इट मीनस आपके फ्रेंड की स्पीड ग्रेटर है कंपेरिजन टू यू राइट तो आपका जो फ्रेंड है उसकी स्पीड फास्टर है वो फास्टर मूव करता है और आप स्लोअर मूव करते हैं राइट right? आप इसको अनदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपने फोर किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है एट आर में राइट तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी बताइए 50 किलोमीटर पर आर राइट एंड आपके फ्रेंड ने 400 किलोमीटर कवर किया है फाइव आर में तो आपके फ्रेंड की स्पीड कितनी आ जाएगी किलोमीटर पर आर राइट इट मीनस आपके फ्रेंड की स्पीड ग्रेटर है कंपेरिजन टू यू तो हमें स्पीड ये बताता है कि कितना फास्ट और कितना स्लो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है आइए अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं डिस्टेंस हम कवर करते हैं मीटर में और टाइम लेते हैं सेकंड में सो मीटर सेकंड इन्वर्स राइट हम इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा करेक्ट रहता है मीटर सेकंड इनवर्स लिखना जब हम सेकंड को ऊपर की साइड लेके जाते हैं तो माइनस लग जाता है राइट सेंटीमीटर सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं सी यूनिट में सीजस का मीनिंग होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इट मेजर्ड ऑल्सो इन किलोमीटर पर आर आपने देखा होगा हम स्पीड को किलोमीटर पर आर में भी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म स्पीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक समान इट मीनस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और टाइम भी हमको गिवन है जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम का डिफरेंस है और जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमारा इक्वल है टेन टेन का डिफरेंस डिस्टेंस में है और टू टू का डिफरेंस टाइम में है तो यदि आप यहां पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी फाइव फाइव मीटर पर सेकेंड राइट टेन अपॉन फोर फाइव तो आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल टाइम इंटरवल में राइट right? हम और हम ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अन एकवल इंटरवल ऑफ टाइम अंडरस्टैंड इट मीन्स वेरेबल स्पीड तो आप देख सकते हैं कि हमारी डिस्टेंस गिवन है जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन और टाइम को गिवन है जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम है उसमें तो टू टू का डिफरेंस आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाले में वन का डिफरेंस है सेकेंड वाले में थ्री का डिफरेंस है फोर माइनस वन थ्री थर्ड वाले में नाइन माइनस फोर फाइव का डिफरेंस है फोर्थ वाले में सिक्सटीन माइनस नाइन हमारा सेवन का डिफरेंस है ट्वेंटी फाइव में सिक्सटीन गए नाइन का डिफरेंस है थर्टी सिक्स में ट्वेंटी फाइव गए इलेवन का डिफरेंस है इट मीन्स हमारी अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है सो so, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नेक्स्ट देखते हैं इंस्टन स्पीड राइट ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आपको अच्छे से समझना है स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंट स्पीड जब आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल पर एक स्पीडोमीटर लगा होता है राइट तो जब भी आप ड्राइव करते हैं और अचानक से आपकी नज़र उस स्पीडोमीटर पर पड़ती है और उस समय जो स्पीड होती है व्हीकल की उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनस स्पीड राइट तो जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल का वो मेजर करता है इंस्टेंटेनस स्पीड राइट सपोज स्पीडोमीटर मेजर्स 44 किलोमीटर पर आर इट मीन्स फोर्टी फोर किलोमीटर पर आर उस टाइम की इंस्टन स्पीड है आई बात समझ में जिस टाइम पर आपने देखा उस टाइम पर वो उसकी स्पीड मानी जाएगी और आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्टेंट स्पीड में हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए इसलिए हम क्या लिखते हैं v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो इट मीनस टाइम हमारा जीरो के पास है अप्रोक्सीमेटली जीरो है लेकिन पूरा जीरो नहीं है जीरो के पास है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेल्टा टी चेंज इन टाइम इंटरवल इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी ये अभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स यदि आप पोजिशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी राइट right? और इस डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि आप चेंज चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कि पोजिशन चेंज हो रही है और हमारा इक्वल टाइम जो हमारा टाइम इंटरवल है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है और यह आप अभी सीख सीखोगे मैथमेटिक्स में ठीक है तो आप डिफ्रेंशिएशन में पढ़ने वाले हो कि हमारा डी एक्स अपॉन्टिटी होता क्या है नेक्स्ट हम चलते हैं एवरेज स्पीड पर एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं अंडरस्टैंड कि सपोज़ हम आपसे कहें कि आप रुड़की से दिल्ली तक गए हैं राइट right? और रुड़की से दिल्ली तक जाने के लिए हमने फाइव आर का टाइम लिया है राइट right? और 180 किलोमीटर हमने कवर किया है राइट वन एट्टी किलोमीटर हमने कवर किया है और किसी ने आपसे पूछ लिया कि हमारी स्पीड क्या है किसी ने पूछ लिया कि स्पीड क्या थी व्हीकल की तो जो इंस्टेंटेनस स्पीड है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड बताती है ना अगर आप बार बार व्हीकल को व्हीकल के स्पीडोमीटर को देखते रहोगे तब तो स्पीड हमें पता नहीं चल पाएगी इसलिए हम क्या करते हैं हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं और टोटल टाइम देखते हैं और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेने के बाद जो हमारी स्पीड आएगी दैट इज़ 36 सिक्स किलोमीटर पर आवर राइट तो वाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मीनिंग ये हुआ कि वन आर में 36 सिक्स किलोमीटर कवर हो रही है एवरेज स्पीड का मीनिंग तो ये होता है राइट right? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आर में 36 सिक्स किलोमीटर कवर हुई है हर घंटे में 36 सिक्स किलोमीटर कवर हुई है ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपके जो ऑब्जेक्ट है व्हीकल है उसकी स्पीड कम रही होगी और कभी ऐसा हो सकता है कि आपके व्हीकल की स्पीड ज़्यादा रही होगी अंडरस्टैंड इसलिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको इंस्टेंट टेनिस स्पीड से नहीं बता सकते कि हमारी टोटल स्पीड कितनी है आपको उसके लिए एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीम ने 210 हंड्रेड बनाए हैं 42 टू ओवर्स में राइट तो हमारा एवरेज कितना जाएगा एवरेज आएगा 5 रन पर ओवर तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि हर ओवर में 5 रन बने हैं कभी ऐसा हो सकता है किसी ओवर में ज़्यादा रन बने हैं कभी ऐसा हो सकता है किसी और में रन ही नहीं बने हैं और कभी ऐसा हो सकता है किसी और में कम रन बने हैं तो एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि हर ओवर में हमारे सेम रन बनेंगे एवरेज तो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम इंस्टेंट टेनिस स्पीड हर पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसलिए हम एवरेज स्पीड यूज करते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इंस्टेंट टेनिस स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड ये आपको ध्यान रखना है कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे और यदि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इंस्टेंट एनिस स्पीड नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड ये भी आपको ध्यान रखना है आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है वेलोसिटी राइट अब वेलोसिटी में बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारी वेलोसिटी होती क्या है तो मैं आप, आपको एक बड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो आपकी स्पीड है यदि आप उसके साथ डायरेक्शन को डिफाइन कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी बन जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन देखो ये डिस्टेंस पर इन टाइम तो हमारा सेम हम है लेकिन साथ में हमने डायरेक्शन ऐड कर दी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो खुद ही डायरेक्शन होती है एंड नेक्स्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डायरेक्शन अगर कोई आपके पास स्पीड है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा वेलोसिटी बन जाता है सपोज अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आर राइट right? तो जो 50 किलोमीटर पर आर है दैट इज द स्पीड दैट इज द स्पीड बट इफ यू एड अ डायरेक्शन विद फिफ्टी किलोमीटर पर आर देन इट बिकम्स वेलोसिटी राइट सपोज कहीं पर लिखा हुआ है फिफ्टी किलोमीटर पर आर इन ईस्ट डायरेक्शन या फिफ्टी किलोमीटर पर आर इन नॉर्थ डायरेक्शन तो आपने क्या कर दिया हमारा डायरेक्शन डिफाइन कर दिया है और जब आप डायरेक्शन डिफाइन करते हैं इट मीन्स वो हमारी वेलोसिटी बन जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है हमारी यूनिट भी सेम रहेंगी मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी हमारा सेम रहेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बस आपको उसमें डायरेक्शन ऐड करनी है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी ये भी हमारा सेम रहेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन केवल आपको डायरेक्शन ऐड करना है बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा तो आपने क्या सीखा कि जो वेलोसिटी होती है उसमें हमारी स्पीड होती है और साथ में डायरेक्शन होती है इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग वेज हम वैलोसिटी को कितने वे से चेंज कर सकते हैं इसको थ्री टाइप से हम चेंज कर सकते हैं फर्स्ट टाइप सुनिए बाई चेंजिंग द स्पीड यदि आपकी स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आर है और आफ्टर सम टाइम हमारी स्पीड हो, हो जाती है फोर्टी थ्री किलोमीटर पर आर इट मीन्स स्पीड चेंज हो जाती है इट मीन्स हमारी वैलोसिटी भी चेंज हो जाती है सेकेंड बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन यदि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और अचानक से आपने टर्न ले लिया तो जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी बाई चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन यदि आप दोनों चीज़ को चेंज कर देते हैं स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी तब भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ये आपको ध्यान रखना है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन तो आप देख सकते हैं जब अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है स्पीड कॉन्सटेंट रहती है क्योंकि आपने देखा होगा कि थ्री सिक्सटी फाइव डेज में हमारा पूरा कवर कर लेती है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी फोर हंड्रेड टाइम्स लिए हूँ फोर हंड्रेड डेज़ लिए हूँ या फिर हमारे टू हंड्रेड डेज लिए हूँ हमेशा थ्री सिक्सटी फाइव डेज ही कवर करती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड हमारी कॉन्सटेंट रहती है लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि जो अर्थ है वो कभी हमारी अपवर्ड जा रही है फिर हमारी लेफ्ट जाती है फिर हमारी डाउनवर्ड आती है और फिर हमारी राइट right जाती है इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट सो द अर्थ है डायरेक्शन इज चेंजिंग अंडरस्टैंड नाउ वी कम टू इंस्टेंटेनिटी राइट तो यह भी हमारा सेम है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विध वेरेबल वेलोसिटी जब हमारा ऑब्जेक्ट वेरेबल वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि तभी तो स्पीड चेंज होगी ना हमारी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमको देखना है कि कितनी हमारी वेलोसिटी होगी तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगा दिया अब वैक्टर वैक्टर क्यों लगाया हमने वैक्टर हम तब लगाते हैं जब हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं सो वी वैक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो जो कि हमारा टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा छोटा रहना है ये आपको ध्यान रखना है डेल्टा एक्स वैक्टर अपॉन डेल्टा टी राइट क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस बार अंडरस्टैंड सो डी एक्स अपॉन डी टी और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप डेल्टा डेल्टैक्स अपॉन डेल्टा टी के आगे लिमिट लगा देंगे तो आपका बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन अंडरस्टैंड और ये हमारा बहुत स्मॉल चेंज इन पोजिशन होता है विद स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल राइट right? ये भी आप आगे डिस्कस कर ये भी आप आगे पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन में सो दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अंडरस्टैंड तो आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेलोसिटी तो वेरी सिंपल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इन जर्नी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होल जर्नी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसमें जो टोटल उसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा यदि हम उसको टोटल टाइम से कर दें डिवाइड तो हमारा बन जाता है एवरेज वेलोसिटी राइट अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये आपका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है

कुछ आपकी इनिशियल वैलेसिटी है बाद में फाइनल वैलासिटी हो गई तो आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है तो सिंपली दोनों को प्लस कीजिए और बाद में टू से डिवाइड कर दीजिए एवरेज वैलिसिटी को हम वी एवरेज से डिनोट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है राइट right? तो आइए अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी और क्या आपने इसमें ऑब्जर्व किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी क्योंकि स्पीड का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी सो स्पीड अ स्केलर क्वांटिटी एंड एंड वेलोसिटी वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आल्सो राइट तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी अच्छा स्टूडेंट्स को मैग्नीट्यूड में भी कंफ्यूजन रहता है राइट right? कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि जब आपकी स्पीड है फिफ्टी किलोमीटर पर आर राइट right? तो जो फिफ्टी है फिफ्टी दैट इज द मैग्नीट्यूड राइट एंड किलोमीटर पर आर दैट इज द यूनिट राइट लेकिन जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पर आएगा 50 किलोमीटर पर आर इन नॉर्थ डायरेक्शन सो 50 दैट इज द मैग्नीट्यूड किलोमीटर पर आर दैट इज द यूनिट एंड नॉर्थ दिस इज द डायरेक्शन नेक्स्ट स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो स्पीड हमारी पॉजिटिव हो सकती है जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्योंकि वेलोसिटी का ऑफ होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड हमको कोई आइडिया नहीं देता डायरेक्शन के लिए राइट right? क्योंकि डिस्टेंस भी हमको कोई नहीं कुछ नहीं बताता डायरेक्शन के बारे में सिमिलरली हमारा वेलोसिटी है जो हमको डायरेक्शन के बारे में बताता है क्योंकि इसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी ये आपको ध्यान रखना है अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी यदि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव में है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी आइए अब एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन में जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है वैन बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड कुछ हमें डिफरेंट डिस्टेंस गिवन है और उसको हमने कवर किया है डिफरेंट स्पीड से तो सपोज अ बॉडी कवर्स डिस्टेंसेज एस वन एस टू एंड एस, एस थ्री विद स्पीड्स वी वन वी टू वी थ्री रेस्पेक्टिवली सही है तो आप देख सकते हैं ए से बी तक हमारे डिस्टेंस एस वन है बी से सी तक एस टू है और सी से डी तक एस थ्री है जब हमने ए से बी तक मूव किया तो हमने स्पीडली वी वन बी से सी तक मूव किया तो स्पीडली हमने वी टू और सी से डी तक मूव किया तो स्पीड ली हमने वी थ्री राइट तो एवरेज स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल अप्लाई द दमूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन राइट एस अपॉन टी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एंडसॉन राइट अपॉन टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस एंड सोन क्लियर अब हमको यहाँ पर डिस्टेंस तो गिवन है डिफरेंट डिस्टेंसेज गिवन है और साथ में वेलोसिटी गिवन है लेकिन टाइम हमको गिवन नहीं है राइट right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम फॉर ऑल द डिस्टेंसेज राइट सो ए टू बी टाइम कितना जाएगा टी वन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एस वन अपॉन वी वन बी टू सी के लिए जब आप टाइम कैलकुलेट करते हैं सो एस टू अपॉन वी टू क्योंकि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सी टू डी के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे टी थ्री तो आएगा एस थ्री अपॉन वी थ्री राइट नाउ पुड द वैल्यूज ऑफ टी वन टी टू टी थ्री इन द इक्वेशन सो वी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एंड सोन्स अपॉन एस वन अपॉन वी वन प्लस एस टू अपॉन वी टू प्लस एस थ्री अपॉन वी थ्री प्लस एंड सॉन्स ये बात क्लियर होती है नाउ स्पेशल केस पे अब हम आते हैं इफ एस वन इक्वल टू एस टू इक्वल टू एस यदि हम केवल दो डिस्टेंसेज कवर करें और वो दोनों डिस्टेंसेज हमारी इक्वल होती हैं तब हमारी बॉडी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी तो आप देख सकते हैं वी एवरेज इक्वल टू एस प्लस एस क्योंकि दोनों डिस्टेंसेज सेम है अपॉन एस अपॉन वी वन प्लस एस अपॉन वी टू एस प्लस एस टू एस हो जाएगा एस हमने कॉमन लिया वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू एस एस हमारा कैंसिल हो गया फिर हमने इस नीचे वाले पोर्शन का जो हमारे डिनोमिनेटर में है इसका हमने एल्शियम लिया तो एल्शियम लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी वन प्लस और नीचे आएगा और, आएगा V1, V2. और V1, V2 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा सो टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वैन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसिस विद डिफरेंट स्पीड ये आपको ध्यान रखना है दिस इज द फॉर्मुला फॉर एवरेज स्पीड राइट और अभी हमने आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मुला बताया है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू तो आइए एक फॉर्मूला और है वैन अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इस बार हमको डिस्टेंस गिवन नहीं है इस बार हमको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है और बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले आप जरूर करना और अच्छे से करना क्योंकि इन न्यूमेरिकल क्योंकि इन फॉर्मूले के बाद जो आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है राइट right? सो कंसिडर अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड वी वन वी टू वी थ्री इन टाइम इंटरवल टी वन टी टू टी थ्री रिस्पेक्टिवली दे अब आप देख सकते हैं ए से बी तक हमारी स्पीड वी वन है टाइम टी वन है जो हमने लिया है बी से सी तक स्पीड वी टू है टाइम टी टू है सी टू डी तक हमारी स्पीड वी थ्री है और टाइम टी थ्री है तो आप देख सकते हैं कि हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ हॉमला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेकिन डिस्टेंस तो हमको गिवन नहीं है तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम राइट और स्पीड इनटू टाइम भी आप कह सकते हैं सो वी वन टी वन एस टू इक्वल टू वी टू टी टू एस थ्री इक्वल टू वी थ्री टी थ्री तो ये हमारी डिस्टेंसिस आ गई क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम अभी तीनों डिस्टेंसिस हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यहाँ पे और अपॉन टाइम ऐड कर देंगे तो ये हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला जाएगा अब देखिए इसमें स्पेशल केसेस इफ टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी यदि आप टू डिस्टेंसिस को इक्वल इंटरवल में कवर करते हैं तब हमारा वी एवरेज कितना आएगा? V1 T, तो कि आ right? तो जाएगा इसे टी का आंसर आउट हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा वी वन प्लस टू इट मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिट क्लियर तो ये हमारे थे फॉर्मूले आगे हम इसके देखते हैं न्यूमेरिकल्स तो आइए अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं अ कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारी एक कार है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन एट्टीन सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन सिक्स सेकेंड ओ से पी तक हमारा टाइम लिया है एट्टीन सेकेंड और पी से क्यू तक आने में लिया है सिक्स सेकेंड तो हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और पार्ट हमें गिवन है फ्रॉम ओ टू पी एंड फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू राइट तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए वाट इज द फॉर्मुला फॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो आप देख सकते हैं कि यदि हम ओ टू पी की बात करें ओ टू पी की यदि हम बात करें तो वहाँ पर डिस्टेंस कितनी गिवन है थ्री सिक्सटी मीटर और टाइम कितना गिवन है एट्टीन सेकेंड सो एवरेज स्पीड इक्वल टू थ्री सिक्सटी अपॉन एट्टीन इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट भी, 360 भी so, हमारा थ्री सिक्सटी रहेगा और टाइम भी हमारा एट्टीन सेकेंड रहेगा सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और आप देख सकते हैं बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन तो आइए अब सेकेंड केस की बात करते हैं सेकेंड केस में जो हमारे पाथ लेंथ आएगा वो ओ से पी तक होगा प्लस पी से लेकर क्यू तक होगा सो टोटल डिस्टेंस 360 सिक्सटी प्लस वन इक्वल टू 480 और टाइम इंटरवल कितना होगा ओ से लिए पी तक 18 सेकंड और पी से ले क्यू तक 6 सेकंड तो टाइम हो जाएगा 24 फोर इट मीनस ट्वेंटी मीटर पर सेकंड राइट नेक्स्ट और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अपने आप करने हैं उनके आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं और आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं और आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं।